हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन अगेन। आज की रेसिपी एक बंगाली रेसिपी है। क्योंकि मैं बंगाली ही हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं बंगाली रेसिपीज़ अक्सर देती रहूँ, लेकिन मेरे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपी मिलेगी। तो आज की रेसिपी है काच कोला दिए इलिश, जो है कच्चे केले के साथ हिलसा फिश। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मेरी फेवरेट है, तो मैं ये बचपन से खाती आ रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैंने इसके लिए 4 पीसेस हिलसा फिश लिया है। उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी नमक और हल्दी। तो अच्छे से दोनों तरफ से हल्दी नमक लगा लेंगे। तो ये रेसिपी मैंने अपनी मम्मी या बोल सकते हैं नानी से सीखी हुई है। तो इसके लिए हमें कच्चा केला चाहिए, तो इसको मैं पीसेस में काट लूँगी। और मैंने यहाँ पानी में रखा हुआ है, क्योंकि कच्चा केला अगर आप बिना पानी के रखेंगे तो वो काला पड़ जाता है। तो पैन में हम सरसों का तेल डालेंगे। तो इस रेसिपी में, फ़िश की हर रेसिपी में, बंगाल में हमेशा सरसों का तेल ही जाता है। और तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा जाएगा। उसके बाद ये कलौंजी, इसको काला जीरा बोलते हैं। उसके बाद हरी मिर्च, मैं जीरा लगा के इसमें डालूंगी। तो तेल में जब ये फ्राई होने लगता है तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे ये कच्चा केला, नमक और हल्दी। तो अक्सर क्या होता है, कच्चा केला ग्रेवी में जब जाता है तो ग्रेवी थोड़ा सा इसका कलर फेड कर देता है। तो इसके लिए मैं इसमें लाल मिर्च भी डालूंगी, जिससे कि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए इस केले का। देखिए, अच्छे से इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। तो हिलसा बहुत तरह से बनती है, तो मेरे चैनल पे आपको दूसरी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी और मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगी इस वीडियो में, तो आप वहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जो फ़िश हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था हल्दी और नमक के साथ, तो उस फ़िश को हम यहाँ डाल देंगे। फ़िश को आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर इस तरह से करती हूँ, ये बहुत क्विकली हो भी जाता है। एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाए तो हम इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से भी थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, उससे हार्ड हो जाता है फिश। तो इसके लिए हम ग्रेवी के लिए हमें चाहिए एक पेस्ट, जो मैं सरसों और ग्रीन चिलीज़ के साथ बना के तैयार रखी हूँ। तो उसको, ग्रीन चिलीज़ आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। मुझे इसमें तीखा पसंद है, तो मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज लिया है इस पेस्ट के लिए, और 3 से 4 टीस्पून ये पेस्ट लिया है। अब इसको ऊपर से डाल देंगे। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी का, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो ऊपर से पानी डालेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी बनेगी। तो इसको अभी बॉईल होने के लिए छोड़ेंगे धीमे आंच पे। तो आप चाहे तो ढक्कन भी लगा सकते हैं। बंधुरा, यदि আপনাদের এই রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না। যখনই আমি নেক্সট নিজের রেসিপি দেব তাহলে আপনি প্রথম রেসিপিটা পেয়ে যাবেন। আর বাঙালি রান্না ছাড়া আপনি অন্য রান্নাও এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। যদি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।
तो हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम ग्रीन चिली ऊपर से ऐड करेंगे, खाने के लिए भी रेडी है। तो इसको स्टीम्ड राइस के साथ ही खाए। तो अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।